जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज हम आपके लिए लाए हैं कृष्णा कोट्स इन हिंदी। यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। साथ ही ये कृष्णा मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी आपको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी देंगे। आप इन राधे राधे सुविचार या राधे कृष्णा सुविचार को सुबह सुबह प्रातः काल में भी पढ़ सकते हैं ताकि आपका पूरा दिन काफी प्रोडक्टिव और हैप्पी हो। यदि आप चाहें तो इन कृष्णा कोट्स ऑन ट्रूथ इन हिंदी को अपने मित्रों व परिवार जनों को भी शेयर कर सकते हैं। नंबर एक, डॉट जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। नंबर दो, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। नंबर तीन, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। नंबर चार, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। नंबर पांच, राधा ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। नंबर छह, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। नंबर सात, असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। नंबर आठ, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। नंबर नौ, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। नंबर दस, युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। नंबर ग्यारह, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। नंबर बारह, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। नंबर तेरह, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। नंबर चौदह, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। नंबर पंद्रह, कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। नंबर सोलह, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। नंबर सत्रह, हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। नंबर अठारह, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। नंबर उन्नीस, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। नंबर 20, जो मन को नियंत्रित नहीं करते मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आशा करते हैं आपको ये कृष्णा कोट्स इन हिंदी पसंद आए होंगे। आप ये कोट्स पढ़ने आए हैं तो जरूर आप कृष्ण जी के बड़े वाले भक्त होंगे। आप चाहें तो इन कृष्णा कोट्स को अपने उन दोस्तों व रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपकी की तरह कृष्ण प्रेमी हैं। जय श्री कृष्णा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे नंबर वन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब
यह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।